आम नागरिक के नाते मेरा ये मानना है बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है संपूर्ण शहर वासियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार ईमानदारी के साथ में मेहनत के साथ में मुंडे साहब पिछले 7 महीने से निरंतर जनसेवा कर रहे थे और कोरोना महामारी में कठोर निर्णय ले रहे थे, वो हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे थे। उन्होंने सरकारी यंत्रणा को व्यवस्था को सुशासन के लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु जो जकड़न या जो बेड़िए में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी पिछले 2-3 दशकों से जकड़ी हुई थी, उनको ये चीज रास नहीं आ रही थी और अंत में पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल साठगांठ के कारण उनका तबादला किया, जिसका जाहिर निषेध करता हूं मैं। और इस प्रकार अगर ईमानदार अधिकारी के ऊपर कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के ऊपर इस प्रकार से अगर सरकार ऐसे रवैया अपनाएगी तो कोई भी आने वाले दिनों में चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करता हो एमपीएससी की तैयारी करता हो उसका मनोबल टूटेगा। और हमने महाविकास आघाड़ी सरकार का शहर के पालक मंत्री का और हर वो राजनेता का जाहिर निषेध करना चाहिए और जनता जनार्दन की ताकत को दिखाना चाहिए। ऐसा क्या हो गया है कि 7 महीने में कि उनको 7 महीने से ही निकाल देना पड़ रहा है, उसका कारण होगा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट उनके ऊपर आया ऐसा आरोप है। स्मार्ट सिटी में वो डायरेक्टर नहीं थे फिर भी उन्होंने उसका चार्ज लिया था, ये भी एक पॉलिटिकल उनका प्रेशर उनके ऊपर प्रेशर आया इसलिए वो शांत बैठे हैं, ये भी कहा जा रहा है। आपके आपने जिस प्रकार से जो जो आरोप गिनाए हैं, आरोप लगाने से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं, ऐसे तमाम आरोप तमाम राजनीतिक लोगों पे लगते रहते हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए। आज उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया, उसका सिद्ध हो पाया क्या? स्मार्ट सिटी के ऊपर में उन्होंने आरोप लगाया, क्या वो सिद्ध हो पाया क्या? सिर्फ बेतुके मनगढ़ंत आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होते, उसे प्रूफ करना पड़ता है जुडिशरी में। हमारे यहाँ न्यायालय है, हमें संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ पे न्यायपालिका है, उन्होंने अभी तक अपना जस्टिफिकेशन या फिर उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल षड्यंत्र रच के एक ईमानदार अधिकारी को बदनाम करने के लिए यहाँ के लोगों इस हद तक गए कि उनको चरित्र के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। ये बहुत ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था शहर के लिए, क्योंकि हर एक ईमानदार व्यक्ति जो दिन रात मेहनत खून पसीने से अपने परिवार को चलाता है उसके ऊपर यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि ईमानदार लोगों की इस आज के व्यवस्था में जरूरत नहीं है, ये सिद्ध हो गया।